हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू की यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन परीक्षाओं के अंतर्गत आपको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना है। कुछ दिशा निर्देश आपको पालन करना है और कुछ आपके द्वारा वहाँ पर जो फार्म वगैरह भरवाए जाते हैं उसमें आपको ध्यान देना है, और आप समय रहते हुए आप उन फार्मों को फिलअप करने, परीक्षा के साथ साथ उनको भी ध्यान देना अनिवार्य है। तो आपसे भरवा लिया जाएगा, लेकिन उसमें आप उन चीज़ों को मत छोड़िए जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि विषम सेमेस्टर 2021-22 की परीक्षा दिनांक 12/3/2021 से प्रारंभ हो चुकी है। सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्षों से अनुरोध है कि शासना आदेश संख्या इतने के अंतर्गत उल्लिखित समस्त बिंदुओं COVID-19 के समस्त संबंध में निर्गत दिशा निर्देश अक्षरता पालन करें, तथा साथ ही परीक्षाओं के संबंध में समय समय जारी साधना देवी उच्च स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय से निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश पत्रक संख्या 9 मार्च 2021 के आलोक में शुचितापूर्ण निष्पक्ष नकल विहीन परीक्षाएं कराने हेतु संपन्न कराएं। इस संदर्भ में माननीय कुलपत महोदय के अनुमोदन से परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्न प्रकार से निर्गत किए जा रहे हैं, जिनका आप सभी को पालन करना अनिवार्य है। तो जो पहला दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा कक्ष में मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं अनुचित साधन का सामग्री लेकर जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्र का दायित्व तो है कि भलीभांति परीक्षण कर परीक्षार्थियों परीक्षा के प्रवेश में कोई भी परीक्षार्थी नकल सामग्री का पर सामग्री परीक्षा कक्ष में न ले जा सके। दूसरा है, परीक्षा केंद्र में संबंधित सभी नोडल केंद्र से परीक्षा सामग्री समय से प्राप्त कर निर्धारित समय परीक्षा सम्पन्न कराएंगे, तथा प्रश्न पत्र केंद्राध्यक्षों की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तो समय से ये कराने की बात है, लेकिन अगर आप समय से विलंब होता है तो आप इसमें देख लीजिए कि आपका भी अधिकार बनता है कि परीक्षा समय से स्टार्ट हो सके। तृतीय में है कि आप प्रश्न पत्र के संबंधित परीक्षा केंद्र केंद्राध्यक्षों के देख रेख में प्राप्त कर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा गोपनीयता सुचितापूर्ण तरीके से प्रेषित किया जाना, तथा प्रत्येक केंद्राध्यक्ष का दायित्व इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखें जिससे कि किसी भी प्रकार की परीक्षा गोपनीयता प्रभावित ना हो सके। उत्तर पुस्तिका के संबंध में अटेंडेंस सीट का समुचित रूप से यथावत्यापूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए अवशेष सामग्री निष्प्रयोग सामग्री संबंधी नोडल को वापस दी जाए, तथा उपयोग की गई सामग्री का लेखा अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र का वेरिफिकेशन सीट भी भरवा कर रखना अनिवार्य है, यानी जो वेरिफिकेशन सीट होगी उसमें आपकी सिग्नेचर होगी। तो आप वेरिफिकेशन सीट तो भरा जाए तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप स्वयं भी अपना जब आए तो उसमें भूल कर भी ना हो कि छूट जाए आपसे, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रत्येक दिवस के परीक्षाओं के संबंध में प्रसार ऑनलाइन परीक्षार्थियों के संबंध में अपेक्षित सूचना प्रेषण किया जाना, जिसका प्रारूप व्यवसाय उपलब्ध है वो उनका काम है, संबंधित महाविद्यालय काम है, ये वहाँ से कर लेंगे। परीक्षा केंद्र का यह दायित्व तो है कि प्रत्येक पाली की परीक्षा हेतु पेपर संबंधित नोडल केंद्र प्राप्त किया जाए, तथा प्रत्येक दिवस की परीक्षाओं हेतु सभी पाली पेपर परीक्षा केंद्र को दे नहीं होगा। प्रत्येक पाली का परीक्षा संपन्न हो जाने पर लिखित उत्तर पुस्तिका संबंधित नोडल केंद्र पर जमा किया जाना है। यह हर जगह वैसे होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को P3 तथा वेरिफिकेशन शीट पर उपस्थित दर्ज किया जाना अनिवार्य था, उसकी सूचना ऑनलाइन भी दिया जाना चाहिए। जो एक प्रारूप निकला हुआ था उसमें कितने परीक्षार्थी प्रेजेंट हुए हैं, कितने एबसेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उल्लिखित होती है। तो इस प्रकार से इसको करना है। इसमें जो चीज़ें आपके संदर्भ में आएंगी, हाँ, इन चीज़ों को हमें पालन करना जरूरी है, तो उस पर आप ध्यान देते हुए COVID-19 का जो कार्यक्रम है, जो COVID-19 से बचाव है, उसका तो आप सुरक्षा से के मद्देनजर आप ध्यान में रखेंगे ही। साथ ही इससे संबंधित जो भी आपको आवश्यक चीजें लगे वो आप खुद ही प्रकोशन लेके जाइए, अपने जो पानी की बोटल वगैरह है ये सारी चीजें आप स्वयं लेके जाइए। व्यवस्था होनी है अलग बात है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा स्वयं करके जाइए। तो ये जो परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी हैं इनका आप पालन करिए और आप आसानी से अपनी परीक्षा अच्छे ढंग से दीजिए। आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट विशेष।